Everyone, today I'll discuss about applications of sound. So there are a lot of applications about sound, but before that we have to know about range of frequencies. There are three range of frequencies. First one is the infrasonic waves, second one audible waves, and third one is the ultrasonic waves. मतलब यहाँ पे range of frequency को तीन part में divide किया गया है. First one part is the infrasonic, एंड सेकेंड वन पार्ट इज द ऑडिबल, एंड थर्ड वन पार्ट इज द अल्ट्रासोनिक. तो जो इंफ्रासोनिक है वो ऑडिबल से लेस होता है, और अल्ट्रासोनिक जो है वो आपका ऑडिबल से ज़्यादा होता है, मतलब ग्रेटर होता है. तो किस तरीके से समझा जा सकता है, मतलब कि वैसा साउंड जिसको हम लोग सुन पाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स सुन पाता है, जो ऑडिबल उसको बोलते हैं हम लोग, जो उसका रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है. बट उससे यदि लेस है, उससे यदि लेस होगा, 20 हर्ट्ज से यदि लेस होता है तुम्हारा साउंड, तो उसको इंफ्रासोनिक वेव्स बोला जाता है, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं. और वही चीज़ यदि हमारे ऑडिबल साउंड वेव्स यदि 20 हर्ट्ज से 20,000, मैक्सिमम कितना हो गया 20,000 हर्ट्ज, इससे यदि ज़्यादा होता है तो भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे. तो दोनों ही केस में हम लोग नहीं सुन पाएंगे, हम लोग बीच में हैं. मान लो कुछ इस तरीके से रेंज को बनाया गया, कुछ इस तरीके से हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि मान लो यहाँ पे 20 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे 20 हर्ज है, और इस जगह पे 20,000 हर्ट्ज है, 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं इसको, 20,000 हर्ट्ज है. तो हम लोग इस रेंज में ही सुन सकते हैं, इस रेंज में यदि साउंड होगा तो हम लोग सुन पाएंगे. अदरवाइज यदि इधर लेस होगा तब भी नहीं सुन पाएंगे, मोर होगा 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से तब भी नहीं सुन पाएंगे. तो सबसे पहला है हमारा इंफ्रासोनिक वेव्स, जिसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड, ऑल्सो वी कैन से इंफ्रासाउंड. ठीक है, तो इंफ्रासाउंड भी इसको बोला जाता है, इंफ्रासोनिक वेव्स. तो इसका रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, रेंज रेंज इज लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज. तो 20 हर्ट्ज से नीचे जितना भी साउंड है उसको हम लोग नहीं सुन सकते. तो उसको आखिर कौन सुन सकता है, ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आखिर वो यदि वेव है 20 हर्ज से नीचे जो है वो कौन सा वेव होता है. तो वो जो वेव होता है वो, जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स जो होता है, भूकंप जो आता है वो वाला वेव जो है, सो उसके साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं. ठीक है, फिर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के नीचे के क्रस्ट में जो साउंड वहाँ पर डेवलप हो रहा है, जो साउंड वेव डेवलप हो रहा है, उस साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं. ठीक है, तो अब ये सब साउंड को सुना आखिर कौन सकता है. यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं सुन सकते, बट कौन सुन सकता है. तो ये सभी साउंड को सुन सकता है, जैसे कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं. तो एनिमल्स उसमें कौन से वेरियस एनिमल्स हैं, तो वेरियस एनिमल्स हैं आपका एलिफेंट्स, डॉग्स, मेकिंग देम रेस्टलेस, है ना, कुछ इस तरीके से. तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि कुछ ये एलिफेंट सुन सकता है, डॉग सुन सकता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें और भी कुछ बहुत एनिमल्स होंगे, बट यहाँ पे फिलहाल हम लोग दो एग्जांपल ले रहे हैं, एलिफेंट और डॉग, जो उसको सुन सकता है. और वेल्स भी ले सकते हैं यहाँ पे. वेल्स जो है, आप वेल मछली जो जान रहे हो, आप वेल मछली जो समुद्र में पाया जाता है सी लेवल पे, तो वहाँ पे जो है ना, वेल कम्युनिकेट करने के लिए, एक्चुअली एक दूसरे, मतलब एक वेल दूसरे वेल से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इस वेव को यूज़ करता है. राइनासोरस भी हो गया तुम्हारा एनिमल में, राइनासोरस ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू इंफ्रासाउंड, मतलब कम्युनिकेशन के लिए वो लोग इसको, इस वेव को यूज़ करता है. तो क्या क्या समझे यहाँ पे, इंफ्रासोनिक वेव जो है सो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, नंबर वन. दूसरा, इसको ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं. ठीक है, दूसरा नंबर कंडीशन, तो कौन सुन सकता है इसको, इस वेव को सुन सकता है, कुछ एनिमल्स जिसमें आ गया एलिफेंट, डॉग्स, है ना, राइनासोरस, फिर तुम्हारा हो गया मछली में वेल्स, तो ये सभी सुन सकते हैं इसको. अब कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि वेल जो है, वेल मछली जो है आपका, वो क्या करता है, वो कम्युनिकेट करने में भी इस वेव को यूज़ करता है, मतलब एक दूसरे से बात करने में, अपने एनिमल्स एनिमल्स में, अपने मतलब सिग्नल सेंड करने में, कम्युनिकेट करने में, मतलब इस वेव को यूज़ करता है. राइनासोरस भी कम्युनिकेट करने के लिए इंफ्रासाउंड को यूज़ करता है. तो ये कंडीशंस हो गया हमारा इंफ्रासोनिक का. अब नेक्स्ट आता है ऑडिबल वेव्स, जो हम लोग के लिए है एक्चुअल में. तो ये रेंज इतना बताया था आपको, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और इसको आप चाहो तो इस 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ज ले सकते हो, क्योंकि 20,000 है, तो 20,000 को किलो में हम लोग ले सकते हैं इस तरीके से. तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, आप जैसे भी बोलना चाहो, आपको मन करता है तो आप ये बोलो या तो फिर ये बोलो. तो ये चीज़ है, इसका रेंज है. ठीक है, इसकी इस रेंज के अंदर यदि साउंड है तो हम लोग इसको ईजिली सुन पाएंगे. यदि मैं बात करूँ एक मॉस्किटो का, तो मॉस्किटो जो आवाज़ करता है ना, मस्किटो का साउंड जो है वो
ऑलमोस्ट 500 हर्ट्ज के बराबर होता है, जिसको हम लोग इजली सुन पाते हैं, ठीक है। लेकिन और यदि मैं बात करूँ रैट वगैरह का, तो उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ही बहुत ज़्यादा होता है वो, मतलब ऑडिबल से ज़्यादा होता है। तो ये कह सकते हैं, मतलब जहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं, छोड़ो उससे मतलब हम लोग की नहीं है, हम लोग को बस इतना जानो कि रेंज जान लो कि रेंज है, इसके रेंज के अंदर यदि साउंड होता है तो हम लोग सुन पाते हैं, ठीक है। और इससे लेस होगा तो नहीं सुन पाते हैं, इससे ज़्यादा भी होगा तब भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। तो ये चीज़ होगी ऑडिबल, ऑडिबल वेव्स बिटवीन, जैसे इसमें हम लोग हमारा कौन कौन सा एग्जाम्पल यदि आपको पूछा जाए तो एग्जाम्पल बोल सकते हो क्या चीज़ कि बीटिंग ऑफ ड्रम्स है ना, ब्लोइंग ऑफ विसिल्स, ये सब ऑडिबल्स वेव हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि ऑडिबल रेंज में आता है ये सब चीज़, जो चीज़ को हम लोग सुन पा रहे हैं, जो उसको मतलब कंफर्टेबली सुन पाते हैं, दैट वन साउंड वेव इज़ द ऑडिबल वेव। नेक्स्ट वन आता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये वाला तीसरा में क्या बोलता है कि ये जो है सो ज़्यादा है, हम लोग का ऑडिबल रेंज से ज़्यादा है, ऑडिबल रेंज से कम था तो इंफ्रासोनिक था, बट ये ऑडिबल रेंज से ज़्यादा है। तो ऑडिबल रेंज से ज़्यादा कितना, 20 किलो हर्ट्ज, इतना के बराबर है, 20 किलो हर्ट्ज के बराबर, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज इसका ये रेंज है। तो अब इसमें कंडीशन आता है कि इसमें भी कुछ, अब ये कौन प्रोड्यूस करता है भाई इतना, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव को कौन प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसमें प्रोड्यूस करता है डॉग, प्रोड्यूस करते हैं इसको डॉग्स, फिर फिश, इसमें डॉल्फिन आ गया, डॉल्फिन, ठीक है। तो ये सभी जो हैं सो ये सब इसको मतलब कि एलो का जो साउंड है, ओलो का साउंड जो है सो तुम्हारा अल्ट्रासोनिक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इसका एप्लीकेशंस भी देखो, मतलब ये आप बैट जानते होंगे जो नाइट में इवनिंग के टाइम में निकलता है, उसका आँख तो नहीं होता, बट वो फूड वगैरह के लिए, अपना फूड के लिए, अपना डायरेक्शन के लिए, मतलब जिधर वो उड़ता है वगैरह वगैरह, डायरेक्शन के लिए बिना आँख का उड़ लेता है वो ना, मतलब अपने विदाउट आई वो कहीं भी कोई भी काम को कर लेता है। तो बैट जो है वो इसी साउंड को यूज़ करता है, मतलब इसी साउंड वेव को यूज़ करता है, अल्ट्रासाउंड वेव को, और इसी के कारण वो क्या करता है, इसी से वो फूड भी मतलब क्या होता है ना कि यहाँ से ये साउंड को अपना क्रिएट किया, कि साउंड क्रिएट होना, साउंड वेव वहाँ से निकला, और साउंड वेव तो सभी डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो साउंड वेव सभी डायरेक्शन में मूव करता है, तो जहाँ से वो उसका वेव जो है सो टकरा करके वापस आता है इसके पास, तो वो कान से सुन लेता है उसको, मतलब सुन वो उसको पता करने का उसका कैपेसिटी उसके पास है, वो पता कर लेता है कि उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग वो पता कर लेता है कि वहाँ पे क्या है, उससे उसको डायमेंशन वहाँ से पता चल जाता है उसका, तो डायमेंशन से पता कर लेता है कि हाँ यहाँ पे हमारा फूड है, फूड के लाइक कुछ है, तो वहाँ पे वो चल जाता है। फिर यदि उसके उड़ते समय कहीं पे उसको मान लो दीवार है, तो दीवार से उसको हो सकता है टकरा जाए, तो नहीं टकराता है वो जा करके, क्योंकि वहाँ से उसको उसका कंस्ट्रक्शन पता चल जाता है कि यहाँ पे वाल है, मतलब साउंड वेव से सारा चीज़ें किससे कर पा रहा है, अल्ट्रासाउंड वेव को, अल्ट्रासाउंड से वेव को सेंड करता है, और सेंड करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर के उसके पास आता है, मतलब ये तो फास्ट प्रोसेस है ना, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस है ये चीज़, तो वो तुरंत हो जाता है। तो बैट का अपना वो एप्लीकेशन है उसके लिए, ठीक है। तो और कंडीशन यहाँ पे ये है कि डॉल्फिन लोग भी कम्युनिकेट करने के लिए इसको यूज़ करता है, ठीक है, डॉग लोग भी कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करता है, और अल्ट्रासाउंड का और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, मतलब ये अल्ट्रासोनिक वेव जो है ना बहुत ज़्यादा यूजफुल है, अल्ट्रासाउंड भी इसको बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव इज़ वेरी यूजफुल, मतलब इसका एप्लीकेशन मैक्सिमम एप्लीकेशन यदि साउंड का है, साउंड एप्लीकेशन में यदि रीड करोगे साउंड एप्लीकेशन आप, तो साउंड एप्लीकेशन में मैक्सिमम जो कोई वेव का यूज़ है तो वो है अल्ट्रासोनिक वेव, इसी का यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, ऑडिबल रेंज से ज़्यादा यदि साउंड है तो उस साउंड वेव को हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस में। तो अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड बेसिकली तीन तीन कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन कैटेगरी से है इसका, फर्स्ट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, सेकेंड वन है मेडिकल एप्लीकेशन के लिए, और थर्ड वन है डिफेंस के लिए। तो यहाँ पे हम सब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में सबसे पहले आएगा कि मान लो कोई इरेगुलर शेप का कोई बॉडी है, इरेगुलर शेप का, उसमें कुछ चीज़ को हम डालते हैं, तो क्या होता है ना कि मान लो कोई चीज़ को उसमें हम डालें, कोई भी चीज़ को उसमें यदि हम डालते हैं तो, और फिर उसको मतलब बॉडी जो है किस शेप का है, इरेगुलर शेप का है, ठीक है, इसे स्पाइरल ट्यूब भी एग्जांपल में ले सकते हो आप, या तो क्लोज सेल ले सकते हो किस इस तरीके से, और उसको क्या करना है कि उसमें कुछ डालते हो तो गंदा हो जाता है, गंदा होने से यदि उसको हमको क्लीन करना हो
तो क्लीन करते हैं पानी से, तब भी क्लीन नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। तो यदि वो साफ उससे भी नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस साउंड वेव को यदि तुम यूज़ करते हो तो उससे क्लीन हो जाएगा, क्योंकि इतना कैपेसिटी साउंड वेव में, साउंड तो एनर्जी है ना, तो इतना कैपेसिटी इसके पास है कि इसे वेव को यदि हम उससे पास करवा दें तो वो डर्ट जो पार्ट है, डर्ट पार्ट को क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आता है, ठीक है। तो सेकेंड वन, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यदि वो क्लीन कर पा रहा है तो उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। वो जो डिवाइस है, जिस डिवाइस को वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं क्लीन करने के लिए, जिससे वो अल्ट्रासोनिक वेव निकल रहा है, दैट वन डिवाइस इज द अल्ट्रा, मतलब उसको बोल सकते हैं अल्ट्रा, लेकिन डिवाइस का नाम वहाँ नहीं बोल सकते हम लोग, वहाँ पे बोल सकते हैं कि जो क्लीनिंग किया जा रहा है उसमें कौन तरीके से, किस तरीके का यूज़ किया जा रहा है, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बोल सकते हैं उसको हम लोग, तरीके से अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा जो प्रोसेस यहाँ पे जो रहा है, जो क्लीनिंग का प्रोसेस हो रहा है इन द प्रोसेस, इन द मतलब इसके मैनर में, अल्ट्रासोनिक के कंडीशन में, यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि यदि उस जगह को क्लीन किया जा रहा है तो क्लीनिंग के कंडीशन को बोलेंगे, कौन सा टाइप का ये प्रोसेस हो रहा है, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग प्रोसेस, ओके, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, दिस वन प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, क्लीनिंग। तो ये चीज़ है। सेकेंड वन आता है इंडस्ट्रियल में डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब टू डिटेक्शन ऑफ होल्स और क्रेक्स इन मेटालिक बॉडी, मतलब किसी भी मेटालिक बॉडी में यदि मान लो एक, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना इंडस्ट्रियल में, मान लो कि कोई मोटा रॉड है या तो कुछ कुछ उस तरीके से मेटालिक बॉडी है, और उसमें क्या है ना कि मान लो उसके अंदर क्रैक है या क्या है, नहीं है, मतलब उसका, उसके बारे में यदि जानना होता है, सबसे पहले चेक करके ही उसको यूज़ किया जाता है। मान लो कि बहुत कुछ इस तरीके से मेटालिक बॉडी है कुछ इस तरीके का, और इसमें हमको पता करना होता है कि क्या ये कहीं से बीच में तो क्रैक तो नहीं है, या तो बीच में कहीं होल तो नहीं रह गया इसमें, क्योंकि यदि होल रहेगा तो फिर ये वीक हो जाएगा ना, और एक वजह से टूट भी सकता है। मान लो ब्रिज बना रहा है और ब्रिज में इसको हम यूज़ करेंगे तो वो तो टूट जाएगा ना। तो क्या करता है ना, सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट कि इसको सबसे पहले चेक करवाता है, तो उसमें क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव को कुछ इस तरीके से पास करवाया जाता है, इससे अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें पास करवाया जाता है। तो अल्ट्रा इधर डिटेक्टर को लगाया जाए, राइट साइड में क्या लगाया जा दिया जाता है, डिटेक्टर्स। तो कंडीशन यहाँ पे ये यह है कि डिटेक्टर का काम क्या है कि मान लो इधर से वेव को हम सेंड करेंगे तो इधर डिटेक्टर क्या करेगा, वेव को रिसीव करेगा। तो यदि ये वेव इधर से डायरेक्ट पास कर गया तो वहाँ पे हमको भी बता देगा डिटेक्टर कि हाँ ठीक है, चलो ये वेव वापस, मतलब डायरेक्टली आ गया, पास कर गया उससे। और यदि कुछ वेव्स, मतलब वेव तुम यहाँ से मतलब अप से लेकर डाउन तक वेव को हम पास करवा रहे हैं, तो यदि वेव को कहीं पे गैप मिला, गैप मिलेगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे स्पेस मिल गया, वहाँ से क्या हो जाएगा कि मेटेलिक बॉडी में तो ऐसे पास हुआ, और वहाँ से जैसे ही इसको गैप मिला वहाँ से क्या हो जाएगा, बाउंसिंग बैक, वहाँ से रिटर्न बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटेक्टर में कुछ नहीं दिखेगा, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर इसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे, डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरीके से इको में आपको हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से डिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस पे क्रैक है, किस पॉइंट पे क्रैक है। तो यहाँ से क्रैकिंग का पता चल जाएगा, जब वेव एक इधर से लेफ्ट से राइट तरफ क्रॉस नहीं करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ इसमें डिफेक्ट है, ठीक है। तो डिफेक्ट को पता करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है प्लास्टिक वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, प्लास्टिक वेल्डिंग इज डन यूजिंग अल्ट्रासाउंड, टू प्लास्टिक सर्फेसेस आर टाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर मेड टू स्ट्राइक एट देयर कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो क्या होता है कि जब दोनों को एक दूसरे से मतलब चिपकाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होने से एक दूसरे को हम फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है कि दिस जनरेट्स हीट एनर्जी एट कॉन्टैक्ट एंड वाइंड्स द प्लास्टिक सर्फेस टुगेदर। तो इस वेव को जब उससे हम क्रॉस मतलब अल्ट्रासोनिक वेव को देते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट करता है, हीट जनरेट करने के कारण प्लास्टिक जो है एक दूसरे से चिपक जाता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिस इज द प्लास्टिक वेल्डिंग, मतलब प्लास्टिक वेल्डिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हो गया हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, मतलब ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया। टोटल थ्री टाइप्स का बता दिया आपको, क्या पहला बताया, क्लीनिंग के लिए, पहला हो गया क्लीनिंग के लिए इरेगुलर बॉडीज का, सेकेंड वन क्या है डिटेक्शन ऑफ द होल्स एंड क्रेक्स इन द मेटेलिक बॉडी, एंड थर्ड वन इज द प्लास्टिक वेल्डिंग। एंड अब नेक्स्ट आता है मेडिकल पर्पस पे, मेडिकल पर्पस क्या है इसका, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो मेडिकल पर्पस क्या है ना, बेसिकली बहुत चीज़ को आप लोग जानते होंगे मेडिकल पर्पस में। मेडिकल पर्पस में होता है सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करा लो भाई, बॉडी में कोई डिफेक्ट है तो अल्ट्रासाउंड करा लो। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में सबसे पहले क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं। मान लो कोई टिश्यू में प्रॉब्लम है, कोई है ना, या तो सिस्ट है कहीं पे या तो कुछ है, तो वो सभी चीज़ को बॉडी के अंदर कुछ डिफॉल्ट है तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो वो क्या करता है, वहाँ से एक हमको
अल्ट्रासोनोग्राफी से क्या होता है कि कहीं पे डिफॉल्ट है, कहीं पे फॉल्ट है, तो वहाँ से क्या होता है फोटो मतलब वहाँ का वहाँ से जो है रेज जो है सो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है वहाँ से। यदि डिफेक्ट नहीं होता तो रेज जो है सो एक साइड से दूसरे साइड पास हो जाता, लेकिन वो पास ना हो करके हमको क्या वहाँ का डिफेक्ट को बता देता है, वहाँ के डिफेक्ट को बताता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक टेक्निक है यहाँ पे मेडिकल मेडिकल पर्पज़ के लिए, डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए। यदि आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑर्गन्स के प्रॉब्लम्स को अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू हम पता कर सकते हैं। और यदि अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू यदि आपको कुछ बॉडी के मतलब बॉडी के डिफेक्ट्स को यदि आपको बताया जा रहा है, तो किस डिवाइस से किया जाएगा, मतलब किस प्रोसेस से किया जाएगा? अल्ट्रासोनोग्राफी। सोनोग्राफी मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि उसका मेजरमेंट बोल सकते हो एक तरीके से। तो अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके उसके डिफेक्ट को पता करना थ्रू द अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये हो गया अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट वन है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी मतलब ये हार्ट डिजीज़ के लिए हो गया। हार्ट डिजीज मतलब इसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को आपको इकोकार्डियोग्राफी के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। उसमें भी कौन सा यूज़ होगा? वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। थर्ड वन है किलिंग ऑफ मिल्क बैक्टीरिया। मिल्क के बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी साउंड वेव का मतलब अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ करते हैं। थर्ड वन एंड फोर्थ वन है ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, इसमें क्या होता है ना कि ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन में मतलब इस वेव को हम डायरेक्टली वेव को डायरेक्ट हम किडनी में पास कराते हैं उस स्टोन के पास, तो स्टोन को ब्रेक कर देता है विदाउट कटिंग, विदाउट ऑपरेशंस, है ना, बिना ऑपरेशन का ये डायरेक्ट रेज से जा करके उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वन है हमारा डिफेंस एप्लीकेशंस। डिफेंस एप्लीकेशन में आता है सबमेरीन, आप जानते होंगे, तो सबमेरीन में इसका यूज़ होता है बेसिकली डिफेंस एप्लीकेशंस में। डिफेंस एप्लीकेशन में क्या होता है, इसको बेसिकली वहाँ पे सोनार लगा होता है। सोनार, सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब इसका क्या है कि साउंड मतलब साउंड वेव हो गया, नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेट मतलब डिटेक्ट करना, नेविगेशन मतलब कह सकते हो तरीके से डिटेक्शन। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कितना रेंज पे क्या डिफेक्ट है उस चीज़ को पता करने के लिए। किस तरीके से इसको समझें, तो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है इसको। सोनो ये तुम्हारा हो गया सोनार का प्रोसेस कुछ इस तरीके से। मान लो समुद्र में कुछ इस तरीके से नौसैनिक लोग जिसको बोलते हैं नेवी, नेवी पुलिस, तो वो लोग इसमें रहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इसके नीचे बॉटम पार्ट में एक डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर का नाम होता है सोनार, दैट वन डिटेक्टर इज सोनार। उस सोनार से क्या होता है ना कि सोनार सबसे पहले यहाँ पे दो दो चीज़ होता है तुम्हारा, एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। दो चीज़, एक सेंडर यहाँ पे लगा होता है, एक रिसीवर भी लगा होता है साथ में। तो क्या करता है वेव को, देखो रेड कलर में आपको जो दिख रहा है इसमें वो क्या, यहाँ पे इंसिडेंट वेव, वेव वो जो वेव है वो सी बेड पे जा रहा है। सी बेड मतलब समुद्र के सबसे नीचे के पार्ट में जा रहा है, वेव को सेंड कर रहा है। अब वहाँ पे देखना चाहता है कि कहीं मतलब इस सी बेड में कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं है, मतलब फॉल्ट मतलब कुछ कुछ ढूंढने के लिए एक तरीके से बोल सकते हो कि कुछ ढूंढने के लिए वो इस वेव को वहाँ पे सेंड कर रहा है। तो वहाँ पे इस वेव को सेंड किया, मान लो कि यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ से क्या होगा वो आएगा और टकरा करके फिर वेव कुछ उस तरीके से वापस चला जाएगा। ये ब्लू कलर का जो वेव दिख रहा है कुछ इस तरीके से वापस चला जाएगा। तो जितना ट्रेवल मेरा इंसिडेंट वेव करेगा उतना ही रिफ्लेक्टेड वेव भी ट्रेवल करेगा, सेम सेम पाथ को ट्रेवल करेगा। तो इकोज मेथड से, जो इकोज मेथड था उसके मेथड से हम यहाँ पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डबल करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसमें दुश्मन लोग भी, यदि क्या होता है ना कि समुद्र के नीचे से भी, समुद्र के पानी के नीचे से भी दुश्मन लोग भी अटैक कर सकते हैं, तो उसको उसका भी मतलब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इस सोनार का यूज़ किया जाता है। तो सोनार क्या है, एक तरीके से डिटेक्टर है, ठीक है, एक डिटेक्टर है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि नीचे क्या हो रहा है, नीचे के सारे हलचल को, सारे एक्टिविटी को पता करने के लिए एक तरीके से सोनार को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड का। तो अल्ट्रासाउंडोग्राफी आई मीन एक तरीके से बोल सकते हैं अल्ट्रासाउंड का कितना ज़्यादा एप्लीकेशन है, अल्ट्रासोनिक वेव का, अल्ट्रासाउंड नहीं सॉरी, अल्ट्रासाउंड वेव का जो अल्ट्रासोनिक वेव है, अल्ट्रासोनिक वेव का कितना ज़्यादा यूज है वो देख देख लिया आप। टोटल 3 एप्लीकेशंस इसका मिल गया आपको, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, मेडिकल एप्लीकेशंस, डिफेंस एप्लीकेशंस। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। यदि इसका न्यूमेरिकल तुमको देखना है तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि मान लो इस तरीके से वेव गया वहाँ पे और कितना डिस्टेंस है हम नहीं जानते, टी टाइम में मान लो कि टी टाइम पे गया, तो कुछ इस तरीके से डिस्टेंस को आपको डबल करना है किस तरीके से वो देखो। यहाँ पे यदि आप वो भी चीज़ ये ऑलरेडी आप जानते हो इको में, फिर भी आपको जान लो कि वहाँ पे मैं बोलूँ कि स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर जो है सो वी है,
वी वहाँ पे थ्योरी बता रहे हैं यहाँ पे कि वी स्पीड से वो वेव्स नीचे जा रहा था, और टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो कितना किया, डी डिस्टेंस यदि एक साइड से है तो टोटल डिस्टेंस हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2d के बराबर हो जाएगा। तो हम फार्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वी कैन राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे, 2d, 2d इज इक्वल टू स्पीड क्या है, वी के बराबर, तो वी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से डी को सब्जेक्ट करेंगे तो टू नीचे चला जाएगा, तो वी टी इन बाई टू, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं कि कितना नीचे पर, कितना नीचे में ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो डायग्राम में आप देखे थे यहाँ पे, इस डायग्राम में जो आप यहाँ पे देखे थे, तो इसमें पता आपको चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस पे है उस फॉर्मूला से। तो क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाय टू, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। बशर्ते आपको क्या, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, टाइम पता होगा कि कितना देर लगा डिटेक्ट होकर के वापस आने में। टाइम यदि आपको पता है तो इजिली आप यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, साथ ही साथ स्पीड ऑफ वेव भी पता होना चाहिए। तो दो चीज़, टाइम स्पीड ऑफ वेव पता है, मतलब अरे भाई देखो वेरी सिंपल है, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और टाइम और स्पीड पता है तो क्यों नहीं कैलकुलेट होगा, इजिली कैलकुलेट होगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ रिमेंबर क्या रखना है, डिस्टेंस को क्या करना है, आपको डबल करना है और कुछ नहीं। तो आप क्वेश्चन इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, तो न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ओके, और ट्राई करते रहिए, सॉल्व ज़रूर होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।